ओम नमो आदेश गुरु जी को, जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, मैं हूं पंडित नरेश नाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपके जीवन की जटिल समस्याओं का शास्त्रीय विधि से सरल उपायों के द्वारा उपचार कर सकें। ऐसे उपाय आपको बताएं जिसको आप स्वयं कर अपनी जटिल समस्याओं का घर बैठे समाधान कर सकें। तो मित्रों, जादू मंत्र टूना टोटका, इन को सुनते ही कई लोग कांपने लग जाते हैं। कुछ लोग इसको मन का वहम कहते हैं, कुछ इन्हें मानसिक बीमारी का नाम देते हैं, लेकिन जो इनसे पीड़ित होता है उस पीड़ा को वह ही जानता है। मंत्र के द्वारा दिया गया कष्ट मृत्यु तुले होता है, या यूं कह लीजिए कि ये मृत्यु के दुख से भी ज्यादा भयानक होता है। तो आज हम आपको बताएंगे, शास्त्रों में बताए गए ये आसान उपाय जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र एवं हर टूने टोटके की राम बाण काट है। आज के इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने प्रियजनों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके। मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपनी जिज्ञासाओं व समस्याओं के समाधान के लिए हमें प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दिए गए नंबर पर किसी भी समय फ़ोन कर अपनी जिज्ञासा व समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा केवल उनके लिए है जो हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तंत्र शास्त्र एक अथाह सागर है, इसमें जितना गोता लगाओगे ये आपको और अधिक गहरा लगेगा। तंत्र शास्त्र का पार पाना बहुत ही कठिन है। आप जितना भी सीखोगे आपको उतना ही कम लगेगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण के टूने टोटके जादू तंत्र मंत्र का असर होने पर आदमी अलग ही प्रकार का बिहेव करने लगता है। इन व्यवहार के आधार पर आसानी से वशीकरण व जादू टोने टोटके की पहचान की जा सकती है और उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वशीकरण अथवा जादू टोने के संकेत क्या हैं, तो इस संकेत पर क्या उपाय करना चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र और टूने टोटके जादू से बचने के लिए जीवन की रोजमर्रा की वस्तुओं का बेहद महत्व माना जाता है। तंत्र शास्त्र में घर की खुशियों पर अक्सर किसी की काली नज़र लग जाती है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है, और नतीजे में कोई बीमार हो जाता है, किसी प्रकार की हानि हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। हमारे शास्त्रों में सभी समस्याओं का समाधान दिया गया है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में तब्दील होने लगे तो ऐसी संभावना हो सकती है कि आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी की बुरी नज़र है। कई बार किसी की सफलता, समृद्धि और खुशहाल जीवन से लोग दुखी हो जाते हैं,
और वह उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, जिनमें से जादू टूने टोटके यंत्र तंत्र मंत्र का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। इनसे नरकात्मक ऊर्जा हानिकारक शक्तियां का प्रयोग कर वह आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं होता। इन नरकात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम से ही सब कुछ बदल सा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण या तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका होने का पहला संकेत ये होता है कि व्यक्ति अचानक से बीमार रहने लग जाता है, उदास सा रहने लग जाता है, मुरझाया मुरझाया सा प्रतीत होता है। ऐसे जादू टूने टोटके वशीकरण को तोड़ने का उपाय जो शास्त्रों में बताया गया है वह इस प्रकार से है। इसके लिए सबसे अच्छा और शक्तिशाली उपाय है कि आप सफ़ेद अक के पौधे को घर में लगाएं और शुभ मुहूर्त में उस पेड़ की जड़ को गले में तबीज में धारण कर बांध दें, तुरंत राहत मिलेगी। तंत्र शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया गया हो उसके स्वभाव में एकदम से गुस्सा बढ़ जाता है, वह घर की वस्तुओं तक को फेंकने लग जाता है और उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर होता है। तंत्र शास्त्र में इस समस्या का समाधान इस प्रकार से बताया गया है कि शनिवार के दिन लोबान गंधक राई और काली मिर्च हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर वहाँ पर हनुमान चालीसा 7 बार पढ़कर हनुमान जी के ऊपर से सीधा क्लॉकवाइज 7 बार ये सामग्री घुमाकर पीड़ित व्यक्ति की जेब में कुछ दिन रखी रहने दे और बाद में इसे घर के बाहर किसी वीराने में ले जाकर गाय के सूखे हुए गोबर के ऊपर जला दें। ऐसा करने से इस समस्या से तुरंत निजात मुक्ति मिल जाती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रभाव होता है वह मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसे ना दिन में चैन होता है ना रात में, ना घर में आराम होता है ना बाहर ही उसका मन लगता है। तो इसके लिए तंत्र शास्त्र कहता है कि जावित्री गायत्री केसर तथा कुगल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के सूखे हुए गोबर के ऊपर जलाकर धूनी दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि घर के ऊपर तंत्र या अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव होने का एक संकेत ये भी है कि अक्सर बेवजह घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सदस्य एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में आप प्राथमिक उपचार ये करें कि एक नींबू लें और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए 21 बार उतारें और फिर किसी ऐसे रास्ते पर जाएं जहां आप क्रिया करते समय कोई रोके टोके ना। इस नींबू के 4 टुकड़े कर लें, अपने सामने वाला टुकड़ा अपने पीछे की तरफ फेंकें, पीछे वाला टुकड़ा सामने तरफ, उत्तर वाला दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाला उत्तर की तरफ फेंकें। इस प्रकार से फेंकने पर इस जटिल समस्या का समाधान हो जाता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि बार बार डरावने सपने आना, अपने आप को शमशान में देखना, मल मूत्र त्यागते हुए देखना और अपने आप को स्वप्न में किसी विपता में पड़ा हुआ देखना, ये भी आपके ऊपर तंत्र किया गया है इसका संकेत है। तो इसके लिए तंत्र शास्त्र कहता है कि आप प्राथमिक उपचार ये करें, आप गोलोचन लें, तगत को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रख दें,
ऐसा करने से इस प्रकार के तंत्र से मुक्ति मिल जाती है और नित्य प्रति अपने घर में सुबह शाम धूप बत्ती अवश्य करें, क्योंकि तंत्र सर्वप्रथम आपके मस्तक पर और मन पर प्रभाव डालता है और आपको ईश्वर से विमुख करता है। इसलिए कभी भी ऐसे संकट पर घिर जाने पर आप ईश्वर को ना छोड़ें। तंत्र शास्त्र कहता है कि किसी खास व्यक्ति या स्त्री के बारे में सोचते रहना ये भी तंत्र का संकेत है। यदि कोई व्यक्ति किसी खास स्त्री या पुरुष के बारे में दिन भर सोचता रहता है, रात को भी वह उसी के बारे में ही सोचता है और उसी के बारे में ही बार बार जिक्र करता है, तो ये भी वशीकरण का प्रयोग होने का संकेत है। तो इसके लिए तंत्र शास्त्र में जो प्राथमिक उपचार बताया गया है वह इस प्रकार से है। आप माँ काली को शनिवार के दिन 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर 21 बार महाकाली के शावर मंत्र का जाप करें और उसके बाद उनमें से 1 गुलाब के फूल को के 7 पत्ते पीड़ित व्यक्ति को अभिमंत्रित कर खिला दें। ऐसा करने से वशीकरण समाप्त हो जाता है। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि सबसे अधिक तंत्र अमावस्या व पूर्णमासी को होता है और जिन व्यक्तियों पर तंत्र किया गया हो वह अमावस्या व पूर्णमासी को अत्यधिक बेचैनी महसूस करते हैं। तो तंत्र शास्त्र में इसका प्राथमिक उपचार इस प्रकार से बताया गया है। पीली सरसों, गुगल, लोबान, इनको महाकाली के मंत्र से, भैरव जी के मंत्र से या फिर हनुमान जी के मंत्र से या महामृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र से अभी मंत्रित कर धूनी बनाएं और सुबह शाम की संध्या के समय इसे गाय के गोबर के ऊपर घर में धूनी दें। ऐसा करने से भयानक से भयानक तंत्र समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन छोटे छोटे शास्त्रीय उपायों को कर सभी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोने का राम बाण काट करने में सक्षम हो सकते हो। ये आजमाए हुए प्रयोग हैं। तो मित्रों, यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें ताकि सभी का भला हो। तो आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ।